accomplished women scientists. अंजलि भर भर नेह लुटाओ, प्रीत से भर लो हृदय की झोली, मन डहरी पर दीप जलाओ, आन पहुंची पर्वों की टोली। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन रंगतरंग में आप सभी का। मैं हूं रजनी सेन। पर्वों के इस मौसम में, उत्सवों के इस ऋतु में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर्व जो अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं, उत्सव हमसे कहते हैं कि थोड़ा ठहर कर जीवन से जुड़ो, जीवन का आनंद महसूस करो। तो आइए पर्वों के इस मौसम में कला के माध्यम से जीवन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज कला जगत की सतरंगी झलकियां होंगी आपके लिए, उत्सवों के रंग होंगे और मुलाकातें होंगी कलाकारों से। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। नवरात्र का 9 दिन का उत्सव, माँ की आराधना में लीन संसार, विजयादशमी को उन्हें विदाई देता है और दुर्गा पंडालों में सिंदूर खेला का आयोजन होता है। नवरात्र के आखिरी दिन माँ के सम्मान में सिंदूर की होली खेली जाती है। यह पर्व सामाजिक एकता और आनंद की भावना को दर्शाता है। सिंदूर खेला दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पूरे देश में इसके बाद ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बंगाली समुदाय के दुर्गा पंडाल पूरी दुनिया में अपनी आराधना और मां के अनोखे रूप के लिए प्रसिद्ध है, और यहां होने वाला सिंदूर खेला भी आज पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुका है। सुंदर परिधानों में सजे धजे मां के भक्त नृत्य के माध्यम से मां के प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हैं और उससे फिर आने का आग्रह करते हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा यूनेस्को की विश्व विरासत का हिस्सा है और सिंदूर खेला इस परंपरा का सुंदर रंग उजागर करता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कला की दुनिया जो सबसे बड़ा संदेश हमें देती है वो है सुकून से जीने का, शांति से जीने का, थोड़ा ठहर जाने का। और मेरे पीछे जो आप कलाकृतियां देख रहे हैं उन्हें 5 युवा कलाकारों ने बनाया है, जिसमें कुदरत के सुंदर रंग भी मौजूद हैं। पर ये रंग आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप सुकून में हो, शांति को महसूस कर सके। कला की यही अभिव्यक्ति हमें सिखाती है कि इस दुनिया में न जाने कितने रहस्य हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ठहरना होगा। तो आइए आप देख लेते हैं कि कौन सी कहानी है कला की दुनिया की जो रहस्य उजागर करने के लिए आ रही है आपके सामने। ये बाघ हमेशा से ही मनुष्यों में कौतूहल जगाते रहे हैं। बेहद सुंदर और शक्तिशाली ये जानवर कई कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। बाघों के विभिन्न मूड्स को अपने कैनवस पर प्रस्तुत किया चारुमती निर्वाण ने। प्रदर्शनी रोरिंग रिवाइवल द टाइगर्स ऑफ इंडिया का अवलोकन करने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बचपन से ही प्रखर चित्रकार चारुमती निर्वाण के लिए प्रकृति हमेशा से ही प्रेरणा रही है। हमेशा फूलों और पक्षियों को रंगने में उन्हें आनंद आता था। फिर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में उनके आवास के दौरान वो बाघों के सम्मोहक सुंदरता की ओर आकर्षक हो गई, जिसका नतीजा है ये प्रदर्शनी। जब हम सवाई माधोपुर में रहने गए, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो वहीं पर रणथंबोर नेशनल पार्क है, तो मुझे बहुत मौका मिला टाइगर को वाइल्ड में देखने का एट द नेशनल पार्क। तो तभी से मेरा एक फैसिनेशन, एक उसकी तरफ अट्रैक्शन शुरू हुआ। एंड प्लस वहाँ पे बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क फॉर टाइगर्स, तो वहाँ पे बहुत रिनाउंड कॉन्जर्वेशनिस्ट भी आते थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे एक रणथंबोर फाउंडेशन चलता है जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, जो ये चारकोल टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उनसे भी मेरा उन्होंने भी मुझे अपने साथ जोड़ा। ये तस्वीरें उनके प्राकृतिक आवास में बाघों के जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। प्रदर्शनी में चारकोल तकनीक के इस्तेमाल ने तस्वीरों को जीवित कर दिया है। पिछले 25 वर्षों से चारुमती निर्वाण ने चारकोल चित्रांकन की अपनी शैली विकसित की है।
अलग अलग एक्सप्रेशंस इन सो मेनी डिफरेंट पेंटिंग्स हियर, सो मेनी डिफरेंट टाइगर्स, उनमें सब में एक्सप्रेशन लाना बहुत मुश्किल काम है. एंड कितना एफर्ट गया होगा टू मेक दिस, टू कलेक्ट ऑल द 60 पेंटिंग्स. वेरी वेरी गुड. ऑल द टाइगर्स जो ये आर्टिस्ट ने बनाए हैं, दे आर रियली वेरी लाइवली. कई तो मेरे को बिल्कुल इतने लाइवली लग रहे हैं. एंड द नाइस इमोशंस एंड किस तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया है, इट्स वेरी नाइस. एंड कईयों की तो आईज आर ऑल्सो वेरी पावरफुल, एंड लाइक द वाटर कलर्स जो उन्होंने यूज किए हैं, सम एंड स्ट्रोक्स आर ऑल्सो वेरी बोल्ड. देश में बाघों की संख्या बढ़ रही है. वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदम रंग ला रहे हैं. ऐसे में ये प्रदर्शनी भी जरूर लोगों को और जागरूक करती नजर आती है. जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली. उसका मन आशा का झरोखा, उमंगों की बात करता है. आज फिर एक चित्रकार रंगों की बात करता है. हाल ही में कला जगत ने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया. आइए आपको दिखाते हैं कि देश भर की कला वीथिकाओं में कलाकारों ने रंगों के माध्यम से कैसे अपनी कहानी को अभिव्यक्त किया. मिट्टी में कलाओं के लिए असीम प्यार और सम्मान झलकता है, और यही प्रेम और सम्मान पिछले दिनों झलका रंगों के माध्यम से जब कला जगत ने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया. दिल्ली की ललित कला अकादमी में देश भर के जाने माने अनुभवी और युवा कलाकारों ने अपनी बेहद खूबसूरत और कुछ हटकर कलाकृतियों से कला प्रेमियों का दिल जीत लिया. अध्यात्म, प्रकृति, रोजमर्रा की जिंदगी, योग, ध्यान और महिला सशक्तिकरण, ये तमाम रंग इस कला प्रदर्शनी में नजर आए. चित्रकार प्रभाकर राय ने बनारस के घाटों की सुंदरता को कैनवस पर उतारा और काशी नगरी का आध्यात्मिक चेहरा उजागर किया. ये बनारस एक आध्यात्मिक शहर है, तो हमने वहाँ के मंदिरों को, घाटों को, सीढ़ियों को, चूँकि हम वहीं पढ़ाई किए हैं और बचपन से वहीं रहे हैं, तो उसी को हम अपने चित्रों में दिखाने की कोशिश किए हैं, एक्रेलिक माध्यम में और वाटर कलर माध्यम में. तो वही कलाकार शाश्वती चौधरी ने अपनी कलात्मक कूची से अपनी अभिव्यक्ति को यूं बयां किया. एक्चुअली ये इस गैलरी में मैंने, मेरा तीन सेक्शन है, एक कॉन्शियस सेक्शन है, स्पॉन्टेनियस है और कोलेसेंस है. तो तीनों अलग अलग सेक्शन है. एक्चुअली मैं 61 इयर्स की हूँ, तो जैसे लास्ट 42 इयर्स से मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो बहुत सारा मीडियम को लेके मैंने एक्सपेरिमेंट किया. वैसे बेसिक मीडियम तो ऑयल ऑन कैनवास, एक्रेलिक ऑन कैनवास है. इसको छोड़ के भी हर आर्टिस्ट ड्रॉइंग करते हैं, मिक्स मीडिया करते हैं, बट जनरली उसका शो नहीं होता है. तो मैंने इसीलिए इसमें तीन सेक्शन रखा दिखाने के लिए कि आर्टिस्ट स्किप कर करके अलग अलग मटेरियल को लेकर किस तरह से वो काम करते हैं. वही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काम कर रहा महिला चित्रकारों का ये समूह अपनी चित्रकला के माध्यम से प्रकृति, नारी, माँ और उसके बच्चे के रिश्तों, योग और ध्यान को कैनवस पर उतारने में कामयाब रहा. एक पेंटिंग मेरी है बोम्ब, जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में बनाया है, और मेरे को नहीं पता था उस टाइम मेरी बेटी होने को है, बट मैंने गर्ल चाइल्ड बनाई थी, और जो उस टाइम के वीक वाइज वीक एक्सपीरियंस थे वो मैंने अपनी पेंटिंग में दर्शाया है, आप देख सकते हो. मैम, मैंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से अध्यात्म की भावना को दर्शाया है. फिगरेटिव ना बनाते हुए उसे मैं ज्योमेट्रिक शेप्स के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ अपनी भावनाओं को. मेरे काम के द्वारा मैं ये दर्शाना चाहती हूँ कि डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैं लेती हूँ उसको मैं छोटे छोटे मोमेंट में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. वही गुरुग्राम से आए कलाकार दिनेश कुमार ने अपनी जिंदगी के अनकहे अनसुने किस्सों को रंगों के माध्यम से कला प्रेमियों तक पहुंचाया. बेसिकली तो मेरी पेंटिंग सारी नेचर से प्रभावित रहती हैं, और नेचर इज एवरीथिंग एज यू नो, एंड इट इज लाइक ए मेडिटेशन. वहीं कुछ कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को कला के माध्यम से उठाया. जैसे झीलों में बढ़ते जल प्रदूषण के मुद्दे को इस कलाकार ने रंगों के माध्यम से आवाज दी.
सुबह दिल्ली के 5 युवा कलाकारों ने अपने मन में छिपे रहस्यों और आम जिंदगी में घटती घटनाओं को एक खूबसूरत अंदाज में आम लोगों तक पहुंचाया। एक कलाकार जब अपने मन की कहानी कहता है तो जाने अनजाने कई कहानियों को साकार कर देता है, उनमें रंग भर देता है। और ललित कला अकादमी में आयोजित इस कला प्रदर्शनी ने एक ही मंच पर एक साथ कई सार्थक विषयों को उठाकर कला की अहमियत को और बढ़ा दिया। रंग तरंग के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। मन की गागर बड़ी ही गहरी, इसका ओर न छोर, एक किनारे खड़ा अंधेरा, दूजे उजली भोर। कहते हैं एक कलाकार के मन में सुबह का उजाला और रात का अंधेरा साथ साथ बसर करते हैं। ये तो कला की अभिव्यक्ति है जो उस उजाले को दुनिया के सामने लेकर आती है। जब कलाकार अपना मन उजागर करता है तो दुनिया उसके रहस्यों से चकित रह जाती है, फिर वो एक चित्रकार हो, गीतकार या फिर एक लेखक। तो आइए रंग तरंग में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे लेखक से करवाते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की मजबूत होती छवि को अपनी किताब के माध्यम से उजागर किया है, साकार किया है। मिलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अशोक टंडन से। आज एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अशोक टंडन जी से, जिन्हें भारतीय राजनीति का 50 सालों का अनुभव है, जिन्होंने भारतीय राजनीति के उतार चढ़ाव को करीब से महसूस किया है और अब किताब की शक्ल में अपने अनुभव को ढाला है रिवर्स स्विंग के जरिए। आज उनसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में अशोक टंडन जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी किताब से ही शुरुआत करते हैं, रिवर्स स्विंग जो आपकी किताब आई है, ये किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, भारत बहुत सदियों तक गुलाम रहा। अब हम 75 वर्ष मना रहे हैं अपने देश की स्वतंत्रता के, तो हमने क्या खोया क्या पाया? क्योंकि हमने जो अपना इतिहास था उसमें हम जानते हैं कि हमसे बहुत गलतियां हुई और इस कारण हमको गुलामी का सहना पड़ा। लेकिन अब इन 75 वर्षों में जो हमने तरक्की की है हर क्षेत्र में, भारत आज आगे बढ़ रहा है, तो उसको इतिहास के पन्नों से लेते हुए आज की जो हमारी यात्रा रही है भारत के विकास की, नए भारत की, उसका एक चित्रण किया गया है इसमें। तो हम कहाँ थे और कैसे हम बदले और दुनिया में भी हमारी जो छाप बदली, ये इसमें। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक के पहले चैप्टर में महात्मा गांधी से शुरू किया है। यानी अंग्रेज भारत में जब राज करते थे और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो गांधी जी के बारे में उनकी क्या धारणा थी और अब क्या धारणा है? आज वो मानते हैं कि महात्मा गांधी दुनिया के राजनीतिक पटल पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, शांति के दूत। ये जो बदलाव आया पूरे विश्व में, तो ऐसे एक एक चैप्टर को लिया गया है कि हमारे बारे में क्या धारणा थी और आज हम कहाँ पहुंचे हैं और आज हमारे बारे में क्या धारणा बन रही है जी। और ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात, हमारी जो आर्थिक उन्नति है, आर्थिक मोर्चे पर जो हमने सफलता हासिल की है उसके बारे में भी ये बात की गई है। आप क्या पाते हैं, केवल ब्रिटेन ही नहीं पूरे विश्व का रवैया जो भारत को लेकर बदला है, आज हर कोई भारत को मित्र बनाना चाहता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब हम पहले विदेश यात्रा करते थे तो किसी भी भारतीय को देखकर वो कहते थे ये एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया, यहाँ बसने के लिए आ गया, नौकरी के लिए आ गया। आज जब हम जाते हैं तो अमेरिका की सड़कों पर, ब्रिटेन की सड़कों पर लोग कहते हैं एक और आईटी का एक्सपर्ट आ गया। तो भारतीयों के बारे में देखने का नजरिया जो बदला है, ये हमारी विकास यात्रा का ही एक हिस्सा है। और इसीलिए अब हर भारतीय को दुनिया में आदर के, सत्कार की नजर से देखा जाता है और ये माना जाता है कि ये तो एक पर्यटक है या ये आईटी स्पेशलिस्ट है। तो ये जो बदलाव हुआ हमारा आर्थिक मोर्चे पर भी, और आज हम विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमने ब्रिटेन को भी पीछे पछा दिया और हम बहुत जल्दी शायद तीसरी भी व्यवस्था बनने वाले। अभी हमारे साथ दुनिया के सभी देश, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया,
यूएई ये हमारे साथ व्यापार की संधियां करने में लगे हुए, हमारे यहाँ निवेश आ रहा है। तो ये भारत का जो चित्र बदला है, ये हमारी जो यात्रा है, इसको एक एक चैप्टर से इस पुस्तक के द्वारा दिखाया गया। हमारी रक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आत्मनिर्भर हुए हैं, और हम हर क्षेत्र में जिस तरह से आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं, आज हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, आध्यात्मिक तौर पर रास्ता दिखा रहे हैं। आज भारत का योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। तो ये जो भारत में बदलाव हुआ है, ये हर क्षेत्र में हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में भी हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में भी। दुनिया आज भारत की ओर देखती है कि भारत अगर किसी विषय पर मध्यस्थता करता है या आगे आता है तो उसकी आवाज सुनी जाती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर ये पुस्तक में विवरण दिया गया। और इसमें नेतृत्व का कितना आप योगदान मानते हैं, एक सशक्त नेतृत्व जो भारत को दिशा दे रहा है और पूरी दुनिया के आगे भारत की एक मजबूत तस्वीर खड़ी की है, उसमें आप हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व पिछले कुछ सालों में रहा, आप उसमें क्या मानते हैं? एक समय था जब भारत में एक ही दल और एक ही परिवार का राज था, तो मुझे याद है उस समय बाहर के लोग कहा करते थे कि इंडिया इज अ रैम शैकल डेमोक्रेसी, वन पार्टी रूल वन फैमिली रूल, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा 1977 में पहली बार बदलाव हुआ, तो दुनिया ने माना कि भारत में सचमुच में लोकतंत्र जड़े पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ सरकार बदल सकती है, नेतृत्व बदल सकता है। तो उसके बाद से लगातार भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता गया। और आज तो ये है कि देखिए, अगर नेतृत्व कुशल है तो दुनिया भी उसका लोहा मानती है। तो कुशल नेतृत्व से जो भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वो भी एक छाप भारत ने दुनिया को दिखाई है कि लोकतंत्र ऐसे मजबूत होता है, ना कि जैसे कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में जिस तरह से लोकतंत्र की छवि हम जानते ही हैं कैसी है। जी जी, आपके राजनीतिक करियर अनुभवों की बात करें, बड़ा आपका विस्तृत अनुभव रहा है और माननीय अटल जी के आप बेहद करीब रहे, उनके व्यक्तित्व की बात करें, उनके कुछ अनसुने अनछुए पहलू जो हम तक पहुंचाना चाहें। देखिए, अटल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही, जिसको हम अंग्रेजी में लेजेंड कहते हैं, वो बन चुके थे। उनका जो राजनीतिक जीवन था उसमें जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उससे कोई उनकी छवि में कोई इससे कोई बढ़ोतरी हुई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई जनरेशन ने अटल जी को केवल एक विपक्ष के नेता के तौर पर जाना, एक बहुत बड़े सांसद के नौत में जाना, कवि के रूप में जाना जी, और बहुत अच्छे वक्ता के रूप में देखा। लेकिन उनका जो एक नेतृत्व प्रदान करने का जो एक उनका रोल था नेता सरकार में, वो तब सामने आया जब वो प्रधानमंत्री बने जी। तो इसलिए अटल जी को अगर जानना है तो उनको समग्रता में जानना पड़ेगा, ताकि उनका जो पहले का जीवन है और उसके बाद सरकार में आने के बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से नेतृत्व दिया देश को, कारगिल की लड़ाई जीती हमने और जितने भी उस समय विपत्तियां आई देश पर उनको झेला, और एक मिलीजुली सरकार को पूरे 5 साल चलाया, नेतृत्व दिया। तो कहीं ऐसा समय था जब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अनटचेबल थी, उसमें कितने ही दल जोड़ते गए और वो सब साथ में चलकर एक सर्वदलीय सरकार बनी, ये अपने आप में एक अनूठा एक प्रयोग था, प्रयास था, जो अटल जी ने सफल करके दिखाया जी। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक पत्रकार हैं और एक लेखक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो किताब लिख रहे थे उस दौरान में, क्या एक पत्रकार का और एक लेखक का द्वंद्व कभी सामने आता है? मुझे लगता है नहीं आता, क्योंकि पत्रकार अपने आप में भी एक अपने संस्मरण और पुस्तक लिखने में सक्षम होता है। तो मैं अपने आप को कभी लेखक ना मैंने माना है, ना मैं लेखक हूँ, मैं पत्रकार रहा हूँ और पुस्तक लिखते समय भी मैं एक पत्रकार ही रहा हूँ। और मुझे लगता है कि पत्रकार होना ही मेरे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा एक, जिसको हम कहें कि उपलब्धि है, तो मैं पत्रकार के नाते ही इस पुस्तक को मैंने लिखा है। जी जी जी, जब एक किताब लिखता है कोई लेखक तो उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है। अगर इस किताब की बात करें तो आपके सामने क्या चुनौतियां रही, क्या वो साधन रहे जिनके जरिए आप अपनी किताब तक पहुंचे, कैसे आपने इस किताब को पूरा किया? देखिए, कोई भी किताब लिखते समय, मैं तो कहूंगा कि हम लोग जब पत्रकार के नाते खबर भी लिखते थे, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है विश्वसनीयता। अगर आपकी खबर की विश्वसनीयता नहीं है, इसी तरह से पुस्तक की विश्वसनीयता नहीं है, तो आप अपने आप को एक तरह से गिल्टी मानेंगे जी।
उसके लिए जो फिर तथ्य आप इकट्ठे करते हैं उन तथ्यों की विश्वसनीयता चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपने कहाँ से लिया है, ये आप क्यों लिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और फिर सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है कि इस प्रकार की पुस्तक जिसमें एक विदेश का भी मामला जुड़ता है, कई कानूनी दाव पेच इसमें जुड़ते हैं, तो ये भी डर रहता है कि कहीं आपके खिलाफ कोई डेफेमेशन का केस ना कर दे, आपको कहीं कोर्ट में ले जाएगा। तो इसलिए वो जो चुनौतियां हैं आपको उसका लीगल एस्पेक्ट देखना पड़ता है। और आपको जैसे मैंने कहा कि आपको बाद में ये बताना पड़ता है कि ये आपका इसका सोर्स क्या है, तो ये चुनौतियां बड़ी रहती हैं क्योंकि आपके मन में बहुत कुछ रहता है कि मैं ये भी लिख दूं, लेकिन उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करने, उन तथ्यों की जो विश्वसनीयता है वो उसको आपको उसके साथ दिखाना पड़ता है। और फिर ये देखना पड़ता है कि किसी की मानहानि तो नहीं हो रही है और कोई ऐसी बात तो नहीं कही जा रही है जिससे कि किसी के भी जो फंडामेंटल राइट हैं उस कारण वो आपको कोर्ट में घसीट सकता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। जी, आप भविष्य की बात करें, पत्रकारिता, राजनीति, भारत की विश्व में उभरती शक्ति को देखते हुए और कौन से विषय हैं जिन पर आप लिखना चाहेंगे? देखिए, भारत की राजनीति ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितने भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रहे हैं, विशेष तौर से जो नेता प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, राष्ट्रपति नहीं बन पाए, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ और ऐसे संस्मरण भी हैं जो जनता तक पहुंचने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे हमारे देश के वरिष्ठ नेता रहे, वरिष्ठ सांसद रहे, जो इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन उनकी भी जो एक योग्यता है या उनका जो योगदान है भारत की राजनीति को आज के मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उस पर और भी मैं समझता हूं शोध होनी चाहिए। आज की नई पीढ़ी को शोध करके उनके बारे में भी लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में लिखना आसान भी है जी। लेकिन ऐसे जैसे मैंने कहा कि नींव का पत्थर रहे हुए ऐसे बहुत महान हमारे देश की विभूतियां हैं जिनका योगदान भारत की राजनीति में और भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में रहा है, उन पर और रिसर्च होनी चाहिए। जी, आपसे आखिरी सवाल है अशोक टंडन जी, भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व में, अगर भारतीय उपमहाद्वीप की ही बात करें, चीन से उसे कड़ी प्रतिद्वंदिता मिल रही है, तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, एक विश्व शक्ति बनते हुए, इस पूरे सफर में पत्रकारिता और लेखन का क्या योगदान हो सकता है और भारत किस तरफ आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहा है? देखिए, भारत की पूरी प्रगति में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने शुरू में ही फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिख दिया था, हर नागरिक को स्वतंत्रता है अपनी वाणी की और अभिव्यक्ति की, और उसी क्लॉज से ताकत लेते हुए मीडिया भी लगातार इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता रहा। आज भारत और पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को गर्व है इस बात का कि हमारे देश में पत्रकारिता को स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता सबको है, और उसी कारण सरकारों में जो कमियां रहती हैं, खामियां रहती हैं, उनको उजागर करता रहता है हमारे देश का मीडिया लगातार कर, फिर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो ये जो तीन पिलर हैं, चार पिलर है, चौथा पिलर पत्रकारिता, इनकी मजबूती ही लोकतंत्र को मजबूत करती आ रही है और आगे भी। आज तो जितने भी विकासशील देश हैं वो उनके लिए भारत का लोकतंत्र उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपकी शुभकामना है कि भारत का जो स्वप्न है विश्वगुरु बनने का वो साकार हो, और ये स्वप्न हर एक भारतीय का स्वप्न है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक टंडन जी रंग तरंग में आने के लिए और इतनी सुंदर बातचीत हमसे करने के लिए। धन्यवाद। तो रंग तरंग में आज एक खास मेहमान थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से राजनीति के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में एक सुंदर पुस्तिका लिखी है, वो पुस्तक आप भी पढ़िएगा, रिवर्स स्विंग। फिलहाल आज रंग तरंग में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।